नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि चपटे और आज हम हिंदी व्याकरण में देखेंगे शब्दों के मुख्य दो भेद। वाक्य में शब्द यह महत्वपूर्ण होता है। किसी भी अर्थपूर्ण वर्ण के समूह को शब्द कहा जाता है, जैसे क, म, ल। शब्दों के मुख्य दो भेद हैं, उसमें एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द में परिवर्तन होता है और अविकारी शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। शब्दों का पहला भेद है विकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संक्षेप में, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहां पर लड़का सो गया है, मैं सर्वनाम है, अच्छा यह विशेषण है तथा चलना यह क्रिया है। यह चार समूह यहां पर दिए गए हैं। प्रत्येक समूह का पहला शब्द मूल शब्द है और बाद के शब्द उसके रूपांतर है। यह रूपांतर लिंग, वचन, काल और कारक का प्रयोग होता है, इसीलिए इन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। शब्दों का दूसरा भेद है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। संक्षेप में, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का प्रतिदिन आता है, लड़की प्रतिदिन आती है, लड़के प्रतिदिन आए, लड़कियां प्रतिदिन आएंगी। इस वाक्य समूह में प्रतिदिन शब्द में लिंग, वचन, काल के कारण कोई रूपांतर नहीं हुआ है। ऐसे शब्द हमेशा अपने मूल अवस्था में ही रहते हैं और इसीलिए यहां पर प्रतिदिन यह शब्द अविकारी शब्द है। इसी तरह और, तथा, बाहर, परंतु, क्योंकि, ऊपर, किंतु, इन शब्दों में भी कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए यह शब्द भी अविकारी शब्द है। अभी हमने देखा कि शब्दों के मुख्य दो भेद है, उसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द। यहां पर एक बात याद रखिए, विकारी शब्द को ही सव्यय कहा जाता है और अविकारी शब्द को अव्यय कहा जाता है। विकारी शब्द के चार भेद है, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के भी चार भेद है, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी विकारी शब्द के चार भेद और अविकारी शब्द के चार भेद, ऐसे कुल शब्दों के आठ भेद है। धन्यवाद।